पुराना इंग्लिश प्रोवर्ब है, लो बैक पेन इज यूथ लीविंग द बॉडी। मतलब यदि आपको कमर में दर्द होना शुरू हो गया है तो आपकी जवानी आपको अलविदा कह रही है। पर अगर आज के जमाने में देखें तो काफी यंगस्टर्स भी लो बैक पेन से अफेक्ट हो रहे हैं। स्टेटिस्टिकली अगर देखा जाए तो अराउंड 90% लोगों को कभी ना कभी अपनी लाइफ में लो बैक पेन जरूर हुआ है। और यदि लो बैक पेन बढ़ जाए या बढ़ता जाए तो ये बहुत ही एक कॉम्प्लेक्स सिंड्रोम में बदल जाता है, जिसका ट्रीटमेंट कर पाना और हो पाना काफी मुश्किल होता है। तो इसका सबसे इजी समाधान है प्रिवेंशन। तो वेलकम एवरीवन, मैं हूं दीपक चावड़ा, हीलिंग हैंड्स फिजियोथेरेपी एंड रिहैबिलिटेशन से, और आज हम बात करेंगे लो बैक और लेग पेन्स के बारे में। ये हमारा फोर्थ सेगमेंट है हमारी वर्क फ्रॉम होम सीरीज का, जिसमें हम वर्क फ्रॉम होम से होने वाले बॉडीली पेन्स की प्रिवेंशन के बारे में बात करते आ रहे हैं। तो आज हम देखेंगे कुछ एक एक्सरसाइजेस जिससे हम अपने लो बैक पेन और लेग पेन्स को इजीली प्रिवेंट कर सकते हैं। उससे पहले एक बात जानना आपके लिए जरूरी है कि लो बैक पेन को प्रिवेंट करना केवल एक्सरसाइजेस से थोड़ा सा मुश्किल होता है। इसके लिए जो पोस्चरल एडवाइस मैंने पहले सेगमेंट में आपको बताई थी उनको फॉलो करना बहुत जरूरी है। तो पोस्चरल एडवाइसेस और जो एक्सरसाइज मैं आपको बताने जा रहा हूं उनको मिला करके अगर हम रखेंगे तो बहुत इजीली हम अपने लो बैक और लेग पेन्स को प्रिवेंट कर सकते हैं। तो जो फर्स्ट एक्सरसाइज आज हम देखेंगे वो हमारी लेग्स और लोअर बैक की मसल्स को टोन अप करने के लिए है। इसके लिए हम एक मैट या फिर एक फर्म मैट्रेस पर लेटेंगे, दोनों घुटनों को मोड़कर सरफेस पे पैरों को रख देंगे और अब धीरे धीरे हम अपने कूल्हों को टाइट करेंगे, इनको स्क्वीज करेंगे जैसे कि हम अपने वॉशरूम के प्रेशर को रोकने की कोशिश कर रहे हो। देन कुछ देर होल्ड करने के बाद इसे हम धीरे धीरे रिलैक्स कर देंगे। हमें ये ध्यान रखना है कि इस दौरान हम अपनी सांस को नहीं रोकेंगे। जो नेक्स्ट एक्सरसाइज हम देखेंगे वो हमारे नी ज्वाइंट्स और हिप ज्वाइंट्स की मोबिलिटी के लिए है, जिनमें कि हम बहुत देर तक बैठे रहने के कारण, चाहे वो पलाथी मार के बैठना हो या फिर वो चेयर पे बैठना हो, उसकी वजह से हमें जो स्टिफनेस या पेन महसूस होते हैं उनको हम प्रिवेंट कर सकते हैं। तो इस एक्सरसाइज के लिए हम एक मैट या फर्म मैट्रेस पर सीधे लेटेंगे, फिर धीरे धीरे हील को स्लाइड करते हुए हम अपने एक घुटने को मोड़ लेंगे। जितना कंफर्टेबली हम उस घुटने को मोड़ सकते हैं उतना मोड़ेंगे, और मोड़ने के बाद हम अपने घुटने को बाहर की तरफ जमीन की तरफ टिल्ट होने देंगे। जितना कंफर्टेबली हम अपने नी को ड्रॉप होने दे सकते हैं उतना हम उसे ड्रॉप होने देंगे, और फिर उसी पोजीशन से हम धीरे धीरे अपने पैर को सीधा कर लेंगे। तो ये एक टांग से एक सर्कल बनाने की तरह होगा, इसी तरीके से हम अपनी दूसरी टांग से इसको रिपीट करेंगे। इसमें हमने ध्यान रखना है कि ये मूवमेंट बहुत ही स्लो और स्टेडी हो। साथ ही हमने ये ध्यान रखना है कि हमें बहुत ज्यादा अपनी टांगों को स्ट्रेच नहीं करना है। मिनिमम डिस्कम्फर्ट तक हम अपने टांगों को स्ट्रेच करेंगे और धीरे धीरे इस एक्सरसाइज को जैसे बताया गया है वैसे रिपीट करेंगे। नेक्स्ट एक्सरसाइज हमारी स्पाइन की, रीढ़ की हड्डी की मोबिलिटी के लिए है। बहुत ही सिंपल एक्सरसाइज है। इसके लिए हम मैट पर या फर्म मैट्रेस पर लेटेंगे और अपने घुटनों को बेंड कर लेंगे। अब धीरे धीरे हम अपने दोनों घुटनों को एक साथ एक तरफ ड्रॉप होने देंगे एंड अपनी नेक को दूसरी तरफ रोटेट करेंगे। इसको हमने उतना ही ड्रॉप होने देना है कि हमारी बैक में हमें एक मिनिमल स्ट्रेच या एक मिनिमल डिस्कम्फर्ट फील हो। उसके बाद हम ग्रेजुअली धीरे धीरे इसको दूसरी तरफ रोटेट कर लेंगे एंड अपने फेस को ऑपोजिट साइड रोटेट कर लेंगे। इस एक्सरसाइज को स्लोली एंड बिना किसी झटके के हमको रिपीट करना है एंड कोई भी एडिशनल स्ट्रेच इसके अंदर ऐड नहीं करना है। नेक्स्ट एक्सरसाइज हमारी लोअर बैक की मसल्स की एक बेसिक स्ट्रेंथनिंग की एक्सरसाइज है, ताकि हमारी मसल में स्ट्रेंथ रहे और वो हमारे बैक को होल्ड करने की क्षमता उनके अंदर बनी रहे। तो इस एक्सरसाइज के लिए भी हम मैट पर या एक फर्म मैट्रेस पर लेटेंगे और अपने घुटनों को मोड़ कर रखेंगे। अब धीरे धीरे हमने अपने कूल्हों को ऊपर की तरफ उठाना है और इतना उठाना है कि हमारे घुटने, हमारी कमर और हमारे कंधे एक ऑब्लिक लाइन के अंदर आ जाए। उसके बाद 5 से 10 सेकंड तक इसको होल्ड करेंगे, फिर धीरे धीरे इसको वापस लेकर के आएंगे। इसमें हमें ध्यान रखना है कि थ्रू आउट द एक्सरसाइज हम कभी भी अपनी सांस को नहीं रोकेंगे और नॉर्मल ब्रीदिंग पैटर्न को फॉलो करेंगे। नेक्स्ट जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ वो एक सेट ऑफ एक्सरसाइजेस हैं, और आपको बहुत ही ध्यान से समझना होगा कि इन सेट ऑफ एक्सरसाइजेस में से कौन सी एक्सरसाइज आपको सूट करेगी। नॉर्मली हम दिन भर हमेशा अपने कामों के दौरान
चाहे वो अपनी पर्सनल केयर के काम हो, चाहे वो हमारा ऑफिस वर्क हो, चाहे हमारा किचन में काम हो, हम हर टाइम एक बेंट, एक झुकी हुई पोजिशन में रहते हैं। तो कुछ एक एक्सरसाइजेस हमें ऐसी करनी चाहिए जिससे हम अपने आप को पीछे की तरफ एक्सटेंड कर सके। तो फर्स्ट एक्सरसाइज जो हम देख रहे हैं इस सेगमेंट में वो है एक्सटेंशन, जो कि हम अपने हाथों पे करेंगे। इसके लिए हमको मैट पे या फॉर्म मैट्रेस पर उल्टा लेटना है और अपने हाथों को अपने कंधों के लेवल में रखना है। अब धीरे धीरे हम अपने हाथों पे ही प्रेशर लेते हुए अपने आगे से अपने शरीर को ऊपर की तरफ उठाएंगे और जितना हो सके अपनी कोहनी को सीधा करने की कोशिश करेंगे। इसमें ध्यान देने वाली बात यह है कि यदि आपको बहुत एक्सेसिव स्ट्रेच अपने पेट में या फिर बहुत एक्सेसिव कंप्रेशन या दर्द आपकी कमर लोअर बैक में महसूस होता है तो हम इस एक्सरसाइज को इस तरीके से नहीं करेंगे और हम इसको मॉडिफाई करेंगे। इसको मॉडिफाई करने के लिए हम उल्टे ही लेटेंगे और अपने फोर आर्म्स को पूरा सरफेस पर लगा करके रखेंगे। अब धीरे धीरे हम अपनी फोर आर्म्स के सहारे अपनी छाती और सिर को आगे से ऊपर उठाएंगे। यदि इस एक्सरसाइज में आपको पहले वाली एक्सरसाइज की तरह पेन महसूस नहीं होता है तो इस एक्सरसाइज को हम कंटिन्यू कर सकते हैं। यदि फोरआर्म पर उठाने पर भी हमें पेन महसूस होता है तो हम कोई भी एक्सटेंशन एक्सरसाइजेस नहीं करेंगे और जरूर प्रोफेशनल हेल्प लेंगे। एक चीज ऐसे लोगों के लिए जिनके अंदर एक्सटेंशन एक्सरसाइजेस पेन प्रोड्यूस करती हैं, वो एक और एक्सरसाइज ट्राई कर सकते हैं। उसके लिए हमें मैट के ऊपर सीधा लेटना है और घुटनों को मोड़ करके रखना है। अब हम अपने हाथों को घुटनों के अंदर की तरफ डालेंगे और धीरे धीरे दोनों टांगों को अपनी तरफ खींचेंगे। आपने कुछ एक एक्सरसाइजेस देखी होंगी दूसरी वीडियोस में जहां पर हम एक टांग एक बारी में खींचते हैं उसके बाद दोनों टांगों को खींचते हैं, बट मैं सजेस्ट करूंगा कि सेफ साइड रहने के लिए हम दोनों टांगों को ही खींचें, क्योंकि एक टांग को एक बारी में खींचना कई बार किसी स्पेसिफिक प्रॉब्लम के लिए होता है और हो सकता है वो जनरल प्रिवेंटिव रोल ना निभा सके। तो इन सिंपल सी एक्सरसाइजेस से आप अपने लो बैक और लेग पेन्स को प्रिवेंट कर सकते हैं। ये लास्ट सेगमेंट था हमारी वर्क फ्रॉम होम सीरीज का। आई होप आप लोगों ने इस सेगमेंट को फॉलो किया होगा और अपने लाइफस्टाइल को अकॉर्डिंगली मॉडिफाई किया होगा। यदि आपने हमारे पहले वीडियोस को नहीं देखा है तो आप दिए गए लिंक पर क्लिक करके इस सेगमेंट को फॉलो कर सकते हैं। थैंक यू।